सभी दर्शकों को राम राम। आशा करता हूँ सभी अपने घर पे होंगे, अच्छे होंगे, स्वास्थ्य में। अपने घर पे रहिए लॉकडाउन में। आज हो रही है खेत की जुताई, तिवर सीख है हमारी, ये अभी निकली है, पानी दिया है इसमें, अभी इसकी जुताई हो रही है ट्रैक्टर से। नई चीज थी कुछ लोगों के लिए, इसलिए बताना चाहता हूँ कि पहले बैलों से जुताई जो होती थी वो अब ट्रैक्टर के तीन और तीन तीन नौ खुरपों वाले टिलर से होती हैं, जो तीन खूड़ों में चलता है ट्रैक्टर के। और ये जो है तीन तीन के फांट लेकर आता है। देखो बैलों जैसी जुताई तो नहीं हो पाने की, लेकिन अब सब काम मशीनरी से होता जा रहा है। ट्रैक्टर से जुताई हो रही है, टाइम लोगों के पास रहा नहीं, जुताई करते हैं ट्रैक्टर से। टीलर की तरह ही होता है बिल्कुल। इसमें क्या है, नौ खुरपे होते हैं, तीन स्कूड में, तीन बीच वाले में, तीन उधर धोरे वाले में। एक होता है इसमें पांच पांच खुड़ वाला, 15 खुड़ वाला। उसमें क्या होता है, पीछे एडजस्टेबल होता है, उससे नहीं करी क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। अब इसमें क्या है, थोड़ी हल्की हल्की जुताई हो जाएगी, इसमें एक दो फावले लग जाएंगे, फिर इसमें पानी हो जाएगा, खाद पानी हो जाएगी, तो ईख बढ़ सी जाएगी। ये हमारी बोर्ड खड़ी है इधर, ये पेड्डी इसमें थी अभी कटी, तिवर्षी की फूट है अभी। 8 दिन मेरे ख्याल से 8 दिन हुए होंगे से कटे, अभी 8 दिन में ऐसी आ गई है। उधर भूस निकल गया, लान निकल गया, चारों तरफ काम फैला पड़ा है। अब की बार मील भी लेट चल रहा है, लेट तक चल रहा है, इस वजह से जो है गन्ना अब तक गया नहीं। आप कमेंट में ज़रूर बतावें जुताई जो है ट्रैक्टर वाली अच्छी है या फिर बेलो वाली। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राम राम जी।